एनसी फेडरेशन पाकिस्तान के कयाम की तकरीब यूनियन क्लब तारिक रोड में मुनक्किद की गई, जिसका मकसद समाजी तंजीमों के मसाइल को हल करना है। एनजीओ फेडरेशन के सरपरस्त आला मुमताज सियासी और समाजी कारकुन नई मेहमान को नामजद किया गया, जबकि नई मेहमान का कहना था कि इंसानियत की खिदमत के लिए फलाही और समाजी मसाइल को हल करने के लिए कोशा है, लेकिन उनको दरपेश मसाइल तंजीम की रजिस्ट्रेशन, रेनुअल ऑडिट फंड, रिसोर्सेज, FATF कवानीन की आगाही और बैंक अकाउंट जैसे मसाइल के हल के लिए इज्तिमाई जद्दोजहद के लिए एनजीओ फेडरेशन का कयाम अमल में लाया गया, जिसमें 60 से ज्यादा समाजी तंजीमों का इजलास अमल में लाया गया। इजलास में खिदमत अवाम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बानी चेयरमैन जाहिद रहीम, खोखरा पार्क कमेटी के सदर वसीम मुगल रूही, रूही वेलफेयर के ट्रस्ट के अफजल मुश्ताक और हैदराबाद के सियासी और समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। समाजी तंजीम के नुमाइंदों ने दरपेश मसाइल से आगाह किया, जिसका एडिशनल डायरेक्टर महकमा समाजी बहबूद मलीर मोहम्मद महमूदुररहमान ने तफसीली जवाब दिया और उनको हर मुमकिन तौर पर हल करने की यकीन दहानी कराई। खिदमत अवाम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के मानी चेयरमैन जाहिद रहीम ने समाजी तंजीमों के फेडरेशन के कयाम पर नई मेहमान और उनके रफा को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये एक गुलदस्ता है, जिसमें हर रंग व नसल, जमान, मुंसलिक से ताल्लुक रखने वाले समाजी तंजीम इस प्लेटफॉर्म पर जमा है। मुस्तकबिल में ये एक मजबूत इत्तेहादी तौर पर नजर आएगा। आखिर में एनजीओ फेडरेशन के सरपरस्त नई मेहमान ने तमाम शुरका महफिल को शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये प्लेटफॉर्म से मिलने वाली तंजीमों और सरकारी महकमों के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करेगा, और उनका मजीद कहना था कि अगर आप लोग इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा करेंगे तो हम तमाम अहम मसाइल, मुस्लिम रजिस्ट्रेशन अकाउंट ओपनिंग, फंडिंग और दीगर मसाइल के लिए आलमी कोशिश करेंगे। कैमरामैन के साथ जमील जुनेद, 24/7 न्यूज़, कराची।